हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है राइट में, वो उनके बाद दुगना सेपरेशन है ऑन द लेफ्ट। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो फिगर है, इसके बाद दुगना सेपरेशन है किससे? लेफ्ट से। लेफ्ट में अगर डी है तो इधर 2D है। अगर हमारे पास जो लेफ्ट है, लेफ्ट में अगर इधर 2D है तो यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है D है। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसको टी समय लग रहा है, एक एक्स दूरी चलने में टी समय लग रहा है लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, है कि नहीं? हाँ भाई, बात तो मास्टर बिल्कुल ठीक है। अब भाई मेरी बात सुन, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल भी है, सुन मेरी बात। और कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है ठीक है। अब जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर आप जानते हैं एक फोर्स लगेगी एफ इक्वल टू क्यू, और एफ इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, एम ए बी होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई और एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो एक बात बता दूं आपको, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय टू है कि नहीं भाई। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इधर कितना है, ई बाय टू है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेपरेशन दुगना हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया। आपने पढ़ा होगा ये बात कि जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिनके बीच में गैप जो है बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाता है ना। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यू ई बाय एम हो गया। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है भाई मेरे, क्यू ई बाय एम आ रहा है, क्यू ई बाय एम आ रहा है, ठीक है। अब टाइम में मुझे रिलेशन चाहिए। आप जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन में डी टी होता है। यानी कि मास्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर टाइम कम है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहाँ पर टाइम ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाफ लग रहा है तो टाइम कितना लगेगा, दोगुना लगेगा, इन्वर्सली का नेचर है भाई, इन्वर्सली का है ना। आप खुद सोचिए जरा भाई, नेचर कैसा है ना इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर तो मास्टर इन्वर्सली का है, इन्वर्सली का नेचर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आधा हुआ तो टाइम जो डबल हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला सवाल कह रहा है एक सरफेस है जिसके पास एरिया वेक्टर दे रखा है, वो भी कितना, ए वेक्टर इक्वल टू 2i cap + 3j cap मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। देखो सुनो, आप जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, ई वेक्टर होता है डॉट ए वेक्टर होता है ना। हाँ, ई वेक्टर कितना है, ई वेक्टर है 4i cap। ई वेक्टर कितना है 4i cap। और ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है 2i cap है और प्लस में 3j cap है, बताइए। हाँ, अब चार दुनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा i cap dot i cap, और चार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा i cap dot j cap। लेकिन आपको पता होगा कि डॉट फॉर्म में ये वाली जो टर्म है ये वाली जीरो हो जाती है। i cap dot j cap वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म कैसे हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों मास्टर, ऐसा क्यों, जीरो इसलिए हो जाती है मेरे दोस्त क्योंकि डॉट ये कहता है कि i cap ऊपर वाला i cap नीचे वाला दोनों डायरेक्शन सेम हुई तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0 degree हुई, और जिस वजह से cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो एक्जिस्ट करेगा। और कहता है कि i cap इधर है और j cap आपका इधर होता है, y एक्सिस को कहते हैं ना j cap, तो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, मास्टर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जिस वजह से आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया मास्टर 8 वोल्ट मीटर जो इसका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है एक लूप है जिसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, डी दे रखा है, जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अंडर द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फॉर्म, ठीक है ठीक है भैया। एक लूप है, ठीक है भाई, ये रहा लूप। इसके बाद जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है, जिसको हम क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं। रोटेट किससे कर रहे हैं, ओमेगा से कर रहे हैं। और कब तक रोटेट करें, तब तक रोटेट कर रहे हैं जब तक कि इसके बाद जो फ्लक्स है वो कैसा हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। द फ्लक्स इन दिस पोजीशन इज मेजर टू बी फाई, और जो फ्लक्स है वो कैसा दे रखा है, फाई दे रखा है मैक्सिमम। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, आप जो है ई वेक्टर बता दो क्या होगा। आप जानते हैं बहुत अच्छे से मेरे दोस्त, कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर होता है डॉट ए वेक्टर होता है ना। हाँ, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा हो जाएगा, मैक्सिमम कह रहा है तो कोस जीरो लगेंगे, और कोस जीरो लेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा ई ए हो जाएगा और फाई हो गया है ना। अब एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई होगा, आर कितना होगा, डी होगा, डी बाय 2 हो जाएगा रेडियस, डायमीटर का जस्ट आधा तो रेडियस होती है, स्क्वायर करेंगे इसका। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और अपन में आएगा पाई डी का स्क्वायर। ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 4 5 अपॉन में पाई डी का स्क्वायर थर्ड। अगला सवाल
अगला सवाल कौन सा है, नंबर फोर है। नंबर फोर में क्या कह रहा है, देखो नंबर फोर में कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड कैपेसिटर इज कैपिटल ई, जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटर के अंदर वो कैपिटल ही दे रखी है। द वर्क डन कितना लगेगा मूव करने में एक चार्ज क्यू को, वो भी क्लोज रेक्टेंगुलर लूप में भाई, क्लोज रेक्टेंगुलर लूप में। मान लो आपका जो चार्ज था वो यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, अब इसे मूव करना है, तो भाई मेरे इनिशियल पोटेंशियल तो यहीं पर हुआ ना, हाँ मास्टर इनिशियल तो यहीं पे हुआ, और जब इनिशियल यहाँ पे हुआ तो फाइनल पोटेंशियल भी तो यहीं पे हुआ, हाँ इनिशियल यहाँ पे था तो फाइनल भी यहीं पे हुआ, तो सेम पोटेंशियल हुआ, सेम पोटेंशियल हो तो वर्क डन कैसा होता है आप जानते हैं, जीरो होता है, जीरो। फॉर द गिवन सरफेस, गिवन सरफेस के लिए जो गॉस लॉ है वो कुछ ये दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी वेक्टर इक्वल टू जीरो, यानी कि फाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जो फ्लक्स है फ्लक्स हमारा जीरो हो गया, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नेसेसरली जीरो ऑन द सरफेस, नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है एंगल जीरो, एंगल जो है वो हो जाए 90 हो जाए भाई, जरूरी नहीं कि भाई आपका जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, है ना, हो सकता है एंगल 90 हो जाए तब जाके फ्लक्स जीरो हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जानते होंगे हर एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो फिर एरिया भी इधर, एरिया भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, जिस वजह से दोनों डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई, जो दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, अब थीटा की वैल्यू कितनी हुई, जीरो हुई, आप कहें कि यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स तो यहाँ पे होगा ना, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस इज जीरो, हाँ ये बात सही है, ये सही है, फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे कहाँ निकल रहा है फ्लक्स। अगला, एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है जो कि स्फीयर से पास कर रही है जिसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सरफेस से, ओके भाई सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सरफेस से, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल हम उसका निकालेंगे, किसका, जो इसके अंदर चार्ज है, हाँ है ना, हाँ मास्टर बात तो सही है भाई, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल उसका निकालूंगा जो इसके अंदर चार्ज है, अन्यथा मैं किसी और का नहीं निकालूंगा, ठीक है भैया, हाँ जी मास्टर बिल्कुल सही बात है, और हमें निकालना भी उसके चाहिए बेसिकली, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ना बहुत अच्छे से, हम क्या करते हैं, हम तो मास्टर फाइव इक्वल टू क्यू ओपन में एप्सिलॉन नोट कर देते हैं, ये तो करते हैं, हाँ, और जो अंदर चार्ज है केवल उसका निकालूंगा भाई मेरे, अब चाहे तुम इसमें कुछ भी कहो, तुम कहो कि नहीं मास्टर गलत कर रहे हो, भाई गलत क्यों कर रहा हूँ मुझे बताओ, कि हाँ मास्टर इसलिए गलत कर रहे हो भाई, जो अंदर चार्ज है जिसको मैं ये जो कलर कर रहा हूँ पर्पल कलर से, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पर्पल कलर से, पर्पल ही है ना, हाँ, तो भाई जिस कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं केवल वो चार्ज दूंगा, मुझे बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है मास्टर, लेकिन मास्टर अंदर वाला चार्ज लोगे कैसे, भाई तुम जानते हो चार्ज जो होता है वो होता है लैम्डा इनटू एल, हाँ जानते हैं, लेंथ निकाल लो इस पूरे चार्ज की, मास्टर लेंथ निकालनी है, हाँ अच्छा सुनो, ये तो एक्स हो गया, ठीक है, ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल 90 बन रहा है, यदि मैं एक पॉइंट यहाँ से मिला दूँ तो ये आर हो जाएगा क्या, हाँ ये आर हो जाएगा, ये आर है ये एक्स है, तो क्या इतने वाले की इसकी जो मैं डार्क कर रहा हूँ, देखिए देखिए ध्यान से, क्या इतने चार्ज की जो मैं डार्क कर रहा हूँ ध्यान से, क्या इतने चार्ज की लेंथ निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, कितनी लेंथ आएगी, आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आएगी भाई, हाँ बिल्कुल आएगी, अब जब ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है मास्टर, तो नीचे वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ अब रेड से, क्या ये भी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अरे पाइथागोरस लगाना अगर किसी को ये भी नहीं मिल रहा हो, हाँ अब टोटल लेंथ तो तुम्हारी यही हुई ना, हाँ भाई यही हुई टोटल वाली लेंथ, मास्टर तुम्हारी जो टोटल लेंथ है वो तो यही हुई ना, हाँ मास्टर बिल्कुल यही हुई भाई, यही हुई भाई, मैं क्या मना कर रहा हूँ, जो टोटल लेंथ है वो यही वाली तो हुई, यही वाली हुई भाई, जो टोटल लेंथ है वो यही वाली हुई भाई मेरे, है ना, टोटल लेंथ अब ये वाली हुई, अब जो टोटल लेंथ मास्टर मेरी ये वाली हुई, तो अब आप मुझे ये बता दो इसका जो लेंथ है इसके लेंथ है वो दोनों को ऐड करूँगा या नहीं करूँगा, हाँ बिल्कुल ऐड करेगा, और जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो फाइव इक्वल टू कितना आएगा, फाइव इक्वल टू आएगा लैम्डा आएगा, और लेंथ दोनों की आ जाएगी तो दुगनी आएगी, दुगनी भी किसकी आएगी, आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है भाई, अगर कोई ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो देख लो, ये रहा सेकंड। अगला कह रहा दो मेटल के स्फीयर है, मैंने कहा भाई ठीक है दो मेटल के स्फीयर है जिसकी रेडियाई है एक की ए है और एक की बी है रेस्पेक्टिवली, ओके दो मेटल के स्फीयर कह रहा है, ये रहे दो मेटल के स्फीयर, एक की रेडियाई कह रहा है ए है, एक की रेडियाई कह रहा है बी है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक की रेडियाई कह रहा है ए है और एक की रेडियाई कह रहा है बी है, ए एक की कह रहा है बी है, ठीक है, ठीक है भाई, जॉइन बाय कनेक्टिंग वायर, हाँ कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं और चार्ज्ड हैं, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड वन क्या होगा, के क्यू, चलो यहीं पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वन क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी वन, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वन होगा,
इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो टू होगा, और जो इलेक्ट्रिविटी जो टू है वो क्या होगा, वो होगा के क्यू टू अपॉन में बी का स्क्वायर, के क्यू टू अपॉन में बी का स्क्वायर, और ए वन ईवन क्या है के क्यू वन अपॉन में स्क्वायर, और ई टू क्या है के क्यू टू अपॉन में बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। अब रेशो कह रहा है ना तुझसे, हाँ रेशो कह रहा है, लेकिन तुम्हें चार्ज भी नहीं पता, पता है ना बहुत अच्छे से। हाँ मास्टर बिल्कुल पता है मुझे बहुत अच्छे से। अब फिर चार्ज को पता करने के लिए क्या करेगा मास्टर, चार्ज को पता करने के लिए देखो, जब आप कंडक्टिंग वायर से दो स्फीयर को जोड़ दोगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल बराबर हुआ यानी कि इसका मतलब ये है के क्यू अपॉन में आर, के क्यू वन अपॉन में और के क्यू टू अपॉन में बी, के से के कट जाएगा और क्यू वन अपॉन में क्यू टू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए अपॉन में बी, वो आ जाएगी ए अपॉन में बी। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा भाई क्या, क्यू वन अपॉन में क्यू टू, क्यू वन अपॉन में क्यू टू और बी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू वन अपॉन में क्यू टू की वैल्यू वहाँ से उठा के रख दे, जैसे ही तो यहाँ से, अरे इस वैल्यू को यहाँ टांग देना भाई, इस वैल्यू को यहाँ टांग दे, सिंपल सी बात है। अब जब तुम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखोगे तो आएगा ए बाई बी इंटू में बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है ना, अब जैसे तुम इसे डिवाइड करोगे, आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा एक बी से एक बी, एक ए से एक ए, तो ये मिलेगा बी बाई ए। देखिए देख लीजिए भैया अगला सवाल, सेवन सवाल ही नहीं है, नहीं सवाल है लेकिन ये मैंने वाइट कर दिया होगा ताकि मैं जो इस क्वेश्चन को करने की स्पेस नहीं होगा। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ये लो सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ है सवाल, ये रहा सवाल भाई देख, चलो ये रहा सवाल, डायग्राम के साथ है सवाल, खुल जा सिम सिम वाला सीन हो गया है कि नहीं, डायग्राम के साथ है मेरे भाई सवाल। अब सुन जरा बात को, आ जा बात को जरा ध्यान से सुन, हल्का सा हल्की सी बात को जरा ध्यान से सुन भाई। ये कह रहा तीन चार्ज हैं, कैपिटल क्यू हैं जो कॉर्नर पर रखे हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है भैया, रखे हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आगे चलो। एक चार्ज और है स्मॉल क्यू जो कि रखा हुआ है इसके सेंटर पर, हाँ भैया रखा हुआ। रेशो निकालना है स्मॉल क्यू बाय क्यू के यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। बहुत आसान सा है सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे करेगा, सुन इधर। सबसे पहले इस वाले चार्ज पे, हाँ इस वाले पे लगा एक फोर्स लगा इसके कारण, इसके कारण फोर्स निकालूंगा, बिल्कुल इसके कारण फोर्स निकालूंगा तो F1 निकलेगी, F1 निकलेगी और ये आएगी K Q का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर, यही आएगी ना। हाँ फिर दूसरा इसके कारण, इस पे निकाल ले भाई, दिख रही होगी साफ साफ, हाँ मास्टर दिख तो रही है। ये आएगी F2 और ये क्या आएगी, ये आएगी K Q स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। सही है। और आप जानते हैं F1 बराबर है किसके, F2 के, जिसको मैं F कह रहा हूँ, जो कि क्या है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल का स्क्वायर है, F1 बराबर है F2 के। और इन दोनों का जो नेट है वो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। आप जानते हैं ये बीच में कितना है एंगल है, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई मेरे, 60 डिग्री होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है मेरे यार भाई, जस्ट अपोजिट है तो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब तुम F नेट निकालोगे, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बता रखा होगा डायरेक्ट तरीका, √3 F होता है जब सारे सेम होते हैं 60 डिग्री में, तो √3 हो गया, F की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो गया। ठीक है मास्टर, अब इस सवाल को अच्छे से समझाने के लिए मैं इस सवाल में एक डायग्राम अपना ड्रॉ करना चाहूँगा मेरे दोस्त, हल्का सा डायग्राम बस। सुन जरा और डिटेल में समझाने के लिए बस एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा, सवाल तो समझ में आ गया सबको, सुनो ध्यान से सुनिए भाई, जरा थोड़ा सा स्पेस बहुत है अपने पास। ट्रायंगल तभी से नहीं बना, चल ठीक है जैसे ही बना, ठीक है ना। एक फोर्स आई यहाँ पे, हाँ एक फोर्स आ गई F1 इधर, एक फोर्स आ गई इधर F2, हाँ एक फोर्स F2 इधर आ गई, और एफ नेट आ गया इधर, हाँ एफ नेट इधर आ गया। ठीक है बस, एफ नेट इधर आ गया ना, हाँ एफ नेट इधर आ गया, कितना आया है √3 F आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चार्ज सेंटर में भी रखा गया स्मॉल क्यू,
एक चार्ज यहाँ पे रखा गया कैपिटल क्यू, हाँ बीच की दूरी इसके नहीं पता, आर निकाल ले, हालांकि निकालनी पड़ेगी बीच की दूरी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। चार्ज यहाँ पर रखा हो, ये एल है, ये भी एल है, तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। हाँ और सुन 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 तो ले मेरे दोस्त, बात सुन, छोड़ इस बात को, कहानी को छोड़, डिस्टेंस की बताऊँ मैं तुझे। यो ना बना भाई सीधी लाइन, बंद हो गई भाई जैसे तैसे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये पूरा एंगल 60 का था, पूरा एंगल 60 का था, तो ये कितने का होगा, ये 30 का होगा, 30 का होगा, 30 का होगा। सुन ले, सुन 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 तो ले, सुन तो ले मित्र, सुन तो ले, सुनो, यहाँ से लाइन आ रही थी सीधी, ये 90 हो गई, ठीक है ठीक है। अब ये एंगल कितने का, 30 का है ना, हाँ ये 30 का है, ये तो जार निकालनी है, हाँ क्या ये वाली जो दूरी है तेरी, हाँ ये एल बाई टू होगी, हाँ ये बेस है और ये आर हाइपोटेनस है, ठीक है ना, ये तो बेस है, हाँ और ये हाइपोटेनस है, हाँ तो कोस 30 बेस अपन हाइपोटेनस होगा, हाँ कोस 30 की वैल्यू बता, कोस 30 की वैल्यू बता मास्टर, रूट 3/2, ओके बेस बता मास्टर, बेस है एल बाई टू, ठीक है हाइपोटेनस बता, निकालना है आर, 2 से 2 जाएगा, आर की वैल्यू कितनी जाएगी, एल बाई रूट 3 जाएगी, आर की वैल्यू एल बाई रूट 3 जाएगी। अब जब आर की वैल्यू एल बाई रूट 3 आ गई तो ये आर आ गया, अब एक फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ कोई होगी, जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ को होगी तो आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आप जानते हैं इस एफ डैश को, इस एफ नेट को ऐड करेगा जब जाके तेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम आएगा जिसमें फोर्स 0 होगी। अब एफ डैश 3 के क्यू अपॉन में एल का स्क्वायर और ये है रूट 3, रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपन मेल की स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन मेल का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, उधर ले जा माइनस का हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 के क्यू कैपिटल क्यू एल का स्क्वायर इक्वल टू है माइनस में है रूट 3 है के क्यू स्क्वायर है अपन में एल का स्क्वायर है, ठीक है भैया। हाँ मास्टर बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर चला जाएगा मेरे दोस्त, एक के से एक के चला जाएगा मेरे दोस्त, एक क्यू से क्यू चला जाएगा मेरे दोस्त, ये बचेगा 3 बचेगा स्मॉल क्यू होगा, ये बचेगा माइनस बचेगा रूट 3 होगा और कैपिटल क्यू होगा, ये रूट 3 से रूट 3 जाएगा तो यहाँ पे रूट 3 बचेगा मेरे दोस्त, क्यू माइनस के क्यू, ये निकालना था क्या था स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल क्यू का रिलेशन निकालना था, तो माइनस के 1/√3, माइनस के 1/√3। सवाल बेहतरीन, बेहतरीन सवालों में इसकी गिनती की जाती है मेरे दोस्त, मेरे भैया बेहतरीन सवालों में इसकी गिनती की जाती है। आ जाओ अगला सवाल है, क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक रिंग है हमारे पास, ये रही रिंग, रिंग की रेडियस कितनी बोल रहा है, रिंग की रेडियस बोल रहा है कैपिटल आर, और कह रहा है इसकी सरफेस के ऊपर, कह रहा है इसकी सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ रिंग, रिंग की सरफेस के ऊपर, रिंग की सरफेस के ऊपर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस इज गिवन बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है, मैक्सिमम, वैसे रिंग ऐसे ना बना के आप जो इसे दूसरे तरीके से बना लो, दूसरा तरीका कौन सा, ये वाले से, ठीक है भैया इससे बना लो
और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो कम्प्लीटली। और जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे कम्प्लीटली, इसकी जो रेडियस है वो अब कैपिटल आर बना दो, ठीक है ना। अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस इज गिवन बाय, इसके एक्सिस पर कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो बात को ध्यान सुनो, मास्टर एक्सिस पर कह रहा है और मैक्सिमम कह रहा है ना। हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें कहाँ होती थी? हाँ पता है, कहाँ पर? प्लस माइनस ए बाय रूट टू पर, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो? हाँ जानते हैं, क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। के है, क्यू है, एक्स की जगह पर क्या आएगा? ए बाय रूट टू आएगा, ए बाय रूट टू आएगा। और जब ए बाय रूट टू आएगा, रूट टू नीचे लिखा जाएगा मेरे दोस्त, अंदर है एक्स, ए स्क्वायर बाय रूट टू का स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर अपनी जगह है, 3/2 अपनी जगह है। जैसे आप इसे सोल्व करोगे, जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो के क्यू, ठीक है ना, ए अपनी जगह है, रूट टू अपनी जगह है, ए स्क्वायर अपन में 2a² और 3a² 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है भैया। हाँ बात तो ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे सोल्व करेंगे और अगर आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ, ये आएगा कुछ मेरे दोस्त, के अपनी जगह रहेगा, क्यों अपनी जगह रहेगा, ए अपनी जगह रहेगा, रूट टू अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ठीक है भैया, और कुछ इससे ज़्यादा छोटा नहीं लिखा जा सकता मास्टर। अब जो 3 है, 3 का पहले क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करोगे तो कितना होगा, 3×3 होती है 27, फिर 27 को बाहर निकालना पड़ेगा, ये आएगा 3√3। ये कितना आएगा मेरे दोस्त, ये कितना आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा 3√3। थ्री रूट थ्री आएगा, ए स्क्वायर को बाहर निकालो तो स्क्वायर से स्क्वायर कट, स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा, ये हो जाएगी ए की क्यूब, और डिवाइड बाय 2 का अगर क्यूब करोगे तो हो जाएगा 2√2, और 2√2 चला जाएगा ऊपर, देखिए जरा 2√2 चला जाएगा ऊपर भाई, जो रूट टू है रूट टू से रूट टू कट जाएगा, है ना। और जो 2 है, के है, क्यू है, ए है, 2k q a, नीचे कितना है 3√3 है, ए का क्यूब है, ए के से ए के कटेगा, 2k q अपॉन में 3√3 ए का स्क्वायर, ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। 2k q अपॉन में 3√3 ए स्क्वायर, तो भाई देख लो 2k q अपॉन में 3√3 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ये सवाल मैंने पहले भी करे थे, लेकिन क्या करें, देखो ये रहा आंसर यहाँ पे आ रखा है। मजबूरी ये रही कि जो सवाल मैंने पहले करे थे वहाँ पे क्या हुआ कि भाई सवाल तो मैंने कर दिए थे लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, वीडियो चल रही थी, और लगभग ये सारे सवाल मैंने सॉल्व कर दिए थे। कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, करने तो है ही। सुनो सवाल क्या कह रहा है भैया, सवाल क्या कह रहा है भैया, सवाल कह रहा है कि जो ग्रिड है, लाइनें दे रखी हैं, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ग्रिड दे रखी है, हर एक स्क्वायर की 1 मीटर × 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन इन स्पेस कंटेनिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस स्पेस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। यदि जो पोटेंशियल है ओ पर वो -1 है, कह रहा है यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, -1 है, ठीक है। पोटेंशियल कह रहा है ऊपर कितना है, -1 है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। बस हम तो इसे देखेंगे, बस हम तो इसे ही देखेंगे, सॉरी एक मिनट, जो ऊपर है 0 कह रहा है, ऊपर 0 कह रहा है, -1 नहीं, ऊपर 0 कह रहा है। ये रहा ओ, ये जो ओ है ऊपर क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। फिर कह रहा है ए, ए किधर है, ए इधर है और बी इधर है, ठीक है भैया। ए पर कितना कह रहा है, ए पर कह रहा है -1 है। फिर अब बी, बी पर कितना कह रहा है, -2 कह रहा है, हाँ या ना बोल। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है -2 कह रहा है, ठीक है भैया, ठीक है। आगे आगे सी और डी पर 1 और 2 कह रहा है, यानी जो सी है यहाँ पर 1 कह रहा है और जो डी है उस पर क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, उस पर क्या कह रहा है, 2 कह रहा है। अब भाई एक बात बताइए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जा रही है आपसे, ग्राफ किसका है, ये रखा है पोटेंशियल का, है ना, पोटेंशियल का देखा ना, इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल रखा है कुछ इन पॉइंटों पे। अब सुन मेरी बात, सुन मेरी बात भाई, आसान सा सवाल है और लेकिन अच्छा सवाल है, थोड़ा बेहतरीन है, एक बार में नहीं होगा जो बंदे ने पहले नहीं कर रखा होगा, सिंपल सी बात मैं बताऊँ आपको भाई। सुन मेरी बात ध्यान से ज़रा, -1 है, -2 है, आपको पता है पोटेंशियल हमारा जब मैं इधर से इधर की तरफ को जा रहा हूँ तो शायद ये घट रहा होगा, हाँ या ना भाई। आप जानते हैं जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वो जो है घट रहा होगा, पोटेंशियल हमारा घट रहा होगा, बिल्कुल मास्टर पोटेंशियल घट रहा है। एक चीज़ और, एक चीज़ और, जब मैं इधर की तरफ को चल रहा हूँ
जब मैं इधर की तरफ को चल रहा हूँ तो मेरा जो पोटेंशियल है वो मेरा बढ़ रहा होगा। हाँ मास्टर, ये भी है, मेरा जो पोटेंशियल वो बढ़ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं पोटेंशियल हमारा घटता है, पोटेंशियल हमारा घटता है किसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हमारा जो पोटेंशियल वो घट रहा है। पोटेंशियल हमारा घट रहा है कि यहाँ से देखें, हाँ पहले माइनस वन था और फिर क्या है, माइनस टू है, पहले क्या है माइनस वन, फिर क्या है माइनस टू, यानी पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल घटा है ना। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही चल रही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है आई कैप में। ठीक है भैया, ठीक है, आगे एक चीज़ और बताता हूँ, ले सुन सुन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो इधर है। ठीक है भैया, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है पोटेंशियल घटना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है भैया, ठीक है। अब एक चीज़ और आप देखिए, एक चीज़ और नोटिस करें आप, एक चीज़ और नोटिस करें आप, क्या मास्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस में डी वी अपॉन में डी आर। ठीक है क्या, हाँ भाई बात तो ठीक है, एक बात बताओ, हाँ बताओ, जब जीरो से माइनस वन गया, जब जीरो से माइनस वन गया, जब जीरो से माइनस वन गया तो पोटेंशियल कितने का चेंज हुआ मास्टर, वन का चेंज हुआ, और बीच में दूरी भी कितने की पड़ी, बीच में दूरी भी वन की पड़ी, तो ये वन ही हुआ क्या, बिल्कुल वन ही हुआ। फिर अगेन जब वन से टू गया तो पोटेंशियल कितने का चेंज हुआ, वन का चेंज हुआ, और दूरी भी कितनी पड़ी, वन की पड़ी। सिमिलरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इधर आई कैप आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू इधर कितनी आएगी, माइनस के जगह, क्योंकि डायरेक्शन नीचे है ना, इसलिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मास्टर आई कैप माइनस के जे कैप। सेकेंड ऑप्शन 11, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट इज 2 न्यूटन पर कूलम। बहुत 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 बेहतरीन सवाल है ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड दो लार्ज पैरेलल प्लेट के बीच में 2 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, ये रहा भैया दो पैरेलल प्लेट हैं, एक है 10 कूलम एक है 3 कूलम, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके पीछे कितना है, 2 न्यूटन पर कूलम है। एक बात होता, इस प्लेट को मान 1, इस प्लेट को मान 2, 1 के कारण हमेशा दूर जाएगा क्योंकि 10 कूलम, 3 के है ये भी प्लस का है तो इसके कारण भी दूर जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड 2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है मास्टर 2 न्यूटन पर कूलम। जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मास्टर 2 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है। सिग्मा अपॉन में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हाँ जी, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, सिग्मा 1 होगा क्यू अपॉन में ए, यानी कि क्यू 1 अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा क्यू 2 अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट होगा और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है ना। ठीक है भैया, क्यू 1 जो है 1 बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा Q1 माइनस Q2 और इक्वल टू है 2, सही है क्या, हाँ मास्टर बात तो ठीक है, हाँ मास्टर बात तो ठीक है, ठीक है ना, हाँ बात तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, Q1 की वैल्यू 10 है ना, हाँ ये वैल्यू 3 है, ठीक है ना, हाँ, और ये हो जाएगा 2 × 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 बाय 4 वैल्यू आ रही है किसकी, एप्सिलॉन नॉट ए की, लेकिन इस वैल्यू को निकाल के क्या करूँ मैं, इस वैल्यू को निकाल के क्या करूँ मैं, फोर्स पूछा किसी भी एक प्लेट पर, फोर्स पूछा किसी भी एक प्लेट पर, फोर्स पूछा ना किसी भी एक प्लेट पर, हाँ एफ इक्वल टू, सुन मेरी बात, क्या होता है क्यों ही होता है, हाँ मास्टर क्यों ही होता है, मान लो 1 प्लेट पर फोर्स निकाल रहा है तू, और 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालेगा, 1 पर निकाल रहा है तू, जो है 2 पर निकाल रहा है, 2 पर निकाल रहा है, 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लगेगा, 1 का लगेगा, तो चार्ज अब तो 2 का ही लेगा, चार्ज 2 का कितना है 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, ठीक है, 3 हो गया, चार्ज कितना है 1 पर 10 है, और अपॉन में 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू कितनी है 7/4 है, आप इसे सॉल्व करें एक बार, सिक्सटी बाय 7 न्यूटन आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, हर किसी पे सवाल नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का भी। अगला सवाल, फिगर शोज, जो हमारे जो फिगर है जिसने दिखा रखी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दिखा रखी हैं, एफ ए एफ बी और एफ सी फोर्सेज ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू एट पोजीशन ए बी एंड सी, देन फोर्स कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है भैया, तो जो फोर्स है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होगी, देखो भैया ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, फिर बी पर थोड़ा कम है, फिर सी पर और कम है, तो ए पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ फोर्स ज़्यादा, फिर फोर्स थोड़ी सी कम, फिर फोर्स थोड़ी सी कम, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला है 13 है, देखो मैंने पहले कर रखा था ये सवाल, हालांकि बताता हूँ मैं आपको,
देर इज अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू जो कि एक होलो स्फेयर के अंदर है, एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर है जिसकी रेडियस है कुछ ही मानो आर मान लिया, और इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख रखा है, ठीक है। एंड अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू आउटसाइड इट्स स्फेयर, और एक पॉइंट चार्ज है माइनस के क्यू जो कि इसके स्फेयर के बाहर है, सरफेस के बाहर है। फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेयर, टोटल फ्लक्स निकालना जो स्फेयर से पास कर रहा है। तो भाई बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले चार्ज से मतलब है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आंसर। अगला मैं कह रहा हूँ ना, ये सवाल मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि क्योंकि बात ऐसी थी कुछ कि भैया वॉइस नहीं आ पाई और मैं जो है सोल्व करे थे मैंने सारे सवाल, वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने, ये बातें परसों रात की, ठीक है। आगे फिगर शोज, जो फिगर है वो हमें दिखा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी, जो कि एक चार्ज बॉडी से जो इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है भैया। अब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई एंड ए बी, ये कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी है, भाई ज़्यादा पास पास लाइनें कहाँ हैं, यहाँ पर ज़्यादा पास पास है, तो सिंपल सी बात है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो ई ए ज़्यादा है ई बी कम है। सुनेगा भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक स्फेयर है, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी रो है, और रो इक्वल टू के आर स्क्वायर है। स्फेयर है, स्फेयर है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी है यानी इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो इक्वल टू के आर स्क्वायर, ठीक है। देखो चार्ज आप जानते हैं, चार्ज डेंसिटी होती है डी क्यू ओपन में डी वी रो, के आर स्क्वायर है, के आर स्क्वायर है, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा के आर स्क्वायर डॉट डी वी, ठीक है, ठीक है। के अपनी जगह है, आर स्क्वायर अपनी जगह है, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, के हो जाएगा, के हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा और डॉट डी वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई सीन क्या है, सीन ये है कुछ कि भैया के आर स्क्वायर अपनी जगह पर रखो, के आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है ना, फोर बाय थ्री पाई आर का क्यूब होता है, थ्री पाई आर का क्यूब होता है, लेकिन इसके साथ ना डी भी रहता है, इसके साथ डी भी रहता है, और जैसे ही मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो भाई के, जैसे ही मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा ना तो के आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, मैं तो मैं बताता हूँ के आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, फोर बाय थ्री पाई भी अपनी जगह पर, जो पावर है वो आगे आ जाएगी थ्री हो जाएगा और आर का स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट में क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा, देखो ठीक है ना, फोर बाय थ्री पाई थ्री पावर आगे आर का स्क्वायर और डॉट डी आर, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है, डॉट डी आर के फॉर्म में चला जाएगा, और ये क्या अभी हमारे पास डी क्यू है, ठीक है, ठीक है। अगर आप थोड़ा तमीज़ से लिखना चाहेंगे इसे, थोड़ा सा तमीज़ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अभी तक क्या हो जाएगा, फोर बाय थ्री पाई के, और थ्री से थ्री भी तो कट जाएगा, हाँ थ्री से थ्री भी कट जाएगा यार, ये भी है, फिर तो ये हो जाएगा फोर के पाई और आर की पावर फोर डॉट डी आर, डी क्यू की वैल्यू देखो जरा ध्यान से देख लो एक बार, जरा ध्यान से देख लो भाई, जरा एक बार जरा ध्यान से देख लो, बहुत ही आसान सी कहानी है, कोई हार्ड तो है नहीं, ठीक है, ठीक है। अब मुद्दा ये है, मुद्दा ये है आगे का, अभी तक तो चार्ज आ गया डी क्यू, ठीक है। के पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, आर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बाई टू, कह रहा है आर बाई टू पर, यहाँ से आर बाई टू की दूरी पर, मैंने कहा जी अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ कर लिया ब्लू से मैंने क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है यहाँ से आर बाई टू की दूरी पर आपको जो है क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। मैंने कहा भाई फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, रेडियस का कुछ मतलब है नहीं, बस ये चार्ज इनसाइड वाला होना चाहिए, हाँ, और चार्ज इनसाइड वाला होना चाहिए, तो चार्ज इनसाइड वाला हो जाएगा। कैसे पता चलेगा चार्ज इनसाइड वाला, मैंने कहा भाई ये जो दे रखा है ना डी क्यू, इसमें देख अभी पता चलेगा, कैसे क्या लगा कैसे पता चलेगा, मैंने कहा अभी रुक जा, ये जो है जीरो टू क्यू जाएगा और ये जो है जीरो से आर बाई टू पे जाएगा। सोचिए अब फोर के क्यू, फोर के पाई है, फोर अपनी जगह है, के अपनी जगह है, पाई अपनी जगह है, आर की पावर कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी, और नीचे भी क्या आएगा फाइव आएगा, और यहाँ से क्या जीरो से है आर बाई टू है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा फोर आ जाएगा, के हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जो फाइव था नीचे वो फाइव को बाहर निकाल लो, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा और फाइव, और डिवाइड बाई टू की पावर भी फाइव हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी ठीक है।
फोर के पाई अपनी जगह पर है, आर की पावर फाइव अपनी जगह पर है, और पाँच और दो की पावर पाँच होगी 32। आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। हाँ ये भी तो है मास्टर, आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुद्दा ये है, चार से डिवाइड करोगे तो 8 32 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा। के पाई आर की पावर फाइव अपॉन में 40 हो रहा है, अपॉन में 40 हो रहा है ना। हाँ भाई फाइव नहीं निकालना, निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी तो कहूँ ऑप्शन नहीं आ रहा। फाइव नहीं निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो फाइव इक्वल टू क्या होगा, फाइव इक्वल टू होगा ए इंटू एरिया। ओके, एरिया क्या होगा, 4πr² क्योंकि स्फीयर है, और r क्या होगा, r/2 का स्क्वायर, यानी r² / 4 हो जाएगा। ओके, और k है, पाई है, r की पावर 5 है, 40 है। ओके, और यही है ना, हाँ एप्सिलॉन नॉट तो था ही साथ में, कोई नहीं। अब 4 से 4 कट गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, पाई से पाई चला गया, तो और r से r भी चला गया, k r की क्यूब है, 4 / 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ थर्ड है मास्टर, फोर्थ है सॉरी। ये बेहतरीन सवाल था एकदम, ये बेहतरीन सवाल था एकदम। अगला सवाल है, अगला सवाल है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, पॉइंट चार्ज है जो कि लोकेटेड है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, पॉइंट चार्ज है जो कि हमारे, जो कि हमारे जो है लोकेटेड है मेरे भैया। ठीक है, ठीक है, एट दी पॉइंट एज शोन इन फिगर। ठीक है, Q1 Q2 Q3 तीनों अंदर है, तीनों के कारण फ्लक्स होगा, यानी Q1 Q2 Q3 / 2 एप्सिलॉन नॉट गलत है। ये तो गलत क्यों है, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, अपॉन में केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट होता है, ध्यान रखना ये गलत हो गया पहली चीज। ठीक है, फिर कह रहा है Q1 Q2 + Q3 Q4 ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि चौथा चार्ज बाहर है, ये मतलब नहीं, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। आगे देखता हूँ, इंटीग्रल इंटीग्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का है, एक का, दो का, तीन का, हाँ ठीक है, नहीं चौथे का भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगला सवाल कह रहा है भाई मेरे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है वो करेक्ट स्टेटमेंट भी किसे लेकर के बताना है, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के बताना है। अब देखो मेरी बात सुनना भाई, जो चार्ज है, चार्ज को ना कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है चार्ज में। भाई ये कैसे पॉसिबल है, आप जरा बताएं हमें, है ना। चार्ज को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, लेकिन एनर्जी को चार्ज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। चार्ज को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, W=Q∆V से, उसके अंदर पोटेंशियल को अप्लाई करके किया जा सकता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बात कंप्लीटली सत्य नहीं है। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाने पे जो चार्ज है पार्टिकल का वो जो है बढ़ता है, नहीं ये भी गलत कह रहे हैं। चार्ज ना बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज है, किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, किसी भी चार्ज के, जिसको हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। हाँ ये सही है, चार्ज की प्रॉपर्टी में भी आपने पढ़ा होगा, चार्ज ना बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, क्यों, नेगेटिव भी तो होता है। अगला फिगर है, तीन कंसेंट्रिक मेटलिक स्फेरिकल सेल हैं, फिगर में तीन कंसेंट्रिक मेटल के स्फेरिकल सेल हैं। ठीक है भैया, जिसमें कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जिसमें कि जो आउटर मोस्ट सेल है जिसके पास चार्ज कितना दे रखा है, Q2 दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, और जो सबसे जो अंदर वाली जो सेल है जिसके पास चार्ज कितना दे रखा है मेरे दोस्त, Q1 दे रखा है, मिडिल सेल के पास अनचार्ज्ड है। चलो ये सवाल बेहतरीन है, सवाल बेहतरीन है, सवाल में कहा क्या गया है, सवाल में कहा गया है स्फेरिकल सेल है, आउटर मोस्ट सेल के पास चार्ज Q2 है, और सबसे अंदर वाले के पास चार्ज Q1 है। ठीक है, सबसे बाहर वाले पे कितना है, Q2 है, सबसे अंदर वाले पे कितना है, Q1 है, बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस Q1 है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस के। सुनना एक मिनट, एक मिनट, सॉरी हल्की सी गलती हो गई, ये प्लस का है, ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर है प्लस का Q1, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर है प्लस का Q1 है, और जब ये यहाँ पर प्लस का Q1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के Q1 आएगा, फिर प्लस के Q1 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के Q1 आएगा। यानी अंदर साइड पूछ रहा था, अंदर साइड पूछ रहा था कितना है माइनस के Q1 चार्ज आना चाहिए, और अंदर साइड कितना माइनस के Q1 चार्ज है, बहुत ही आसान सा सवाल है यार, आप जैसे कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली, कोई ऐसी बड़ी बात इसमें है नहीं। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के कौन सी बात सही नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात सही है,
ये बात सही है। आपसे पूछा क्या था, नॉट ट्रू इनकरेक्ट। चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट। पूछा है एक पार्टिकल है जिसके पास रेस्ट मास नॉन जीरो, यानी मास कुछ ना कुछ है, मास कुछ ना कुछ है लेकिन जीरो चार्ज है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगला कह रहा है एक पार्टिकल है जिसके पास जीरो रेस्ट मास है, यानी मास तो है नहीं लेकिन चार्ज है, नहीं ये वैल्यू कभी एक्जिस्ट नहीं कर सकती, ये सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, नॉट ट्रू। अगला है 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ अ चार्ज, चार्ज की यूनिट कौन सी है, चार्ज की यूनिट कौन सी नहीं है। भाई फेरेड जो है चार्ज की यूनिट नहीं होती, क्योंकि फेरेड यूनिट होती है कैपेसिटर की, फेरेडे होती है, एक फेरेडे में 96500 कूलाम होता है जो कि लार्जेस्ट यूनिट बताई जाती है चार्ज की। कूलाम भी चार्ज यूनिट है और स्टेट कूलाम भी चार्ज यूनिट है। अगला है दो चार्ज हैं, 1 कूलाम के हैं, 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, देन दी फोर्स बिटवीन देम विल बी, भाई एफ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹ होगी। Q1 है, Q2 भी 1 है, R का स्क्वायर करना है, 1 किलोमीटर बोले तो 10³ का स्क्वायर करो 10⁶, आंसर आ गया 9 × 10³ न्यूटन। दो पार्टिकल है जिनके पास चार्ज Q1 और Q2 है, जो कि एक पर्टिकुलर दूरी पर रखे हुए हैं और एग्जर्ट कर रहे हैं एक फोर्स F एक दूसरे पे, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा दो पार्टिकल हैं, एक है Q1 ठीक है और एक है Q2 ठीक है, जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं, जो कि एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स एफ एग्जर्ट करेंगे के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर से। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ, यानी यदि r की वैल्यू जो r/2 कर दी एंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल, यानी Q1 2Q1 कर दिया और जो Q2 है वो भी 2Q2 कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी भाई, एफ डैश हो जाएगा, के हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा और 2Q2 हो जाएगा और R की जगह पर आ जाएगा r² / 4 और चार्ज को होता है 16, जिसमें कि के होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, अपन में R का स्क्वायर होगा और ये एफ डैश है तो के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर क्या था, F के नाम से जोड़ कर रखा है और किसके इक्वल है, एफ डैश है जो किसके इक्वल है, 16 F के इक्वल है, देखिए ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। अगला 23 है, 23 भी आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड बात तो है नहीं, आसान सवाल को करने में इसमें भी बहुत ही आसान सा है, मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर, सुनने का बात को जरा ध्यान से। ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वही दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने रख दिया है ऑन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, यानी इलेक्ट्रॉन को रख दिया है इसका जो वेट है उस पर इक्वल फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक के, यानी कि जो क्यू ई है वो बराबर लगेगी मेरे दोस्त एम जी के, हाँ है ना, हाँ, और जो E है E हो जाएगा mg अपॉन में Q और Q की जगह पर कुछ कुछ बंदों ने E रख रखा है। क्यों रख रखा है E, इसलिए रख रखा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। आगे कह रहा है कि जो फिगर है इज अ प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है भैया और चार्ज का नेचर पूछा है, साइन ऑफ चार्ज। देख सुन इस वाले चार्ज को देख ले भाई तू, इस वाले चार्ज पे लाइन एंटर कर रही है, अंदर आ रही है यानी नेगेटिव होगा, इस पे भी लाइन एंटर कर रही है नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा रखा है, बहुत हार्ड नेगेटिव। अगला जी भैया, फिगर सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई ए और ई बी, सिंपल सी बात है ए वाले पे ज़्यादा क्लोज लाइनें हैं, बी वाले पे इतनी क्लोज नहीं है, तो इसलिए ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा। अगला सवाल 26 हो गया, यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है अपन में क्या, अपन क्या कर देते हैं इसको जो है थोड़ा, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ से, सुनिएगा भाई मेरे, ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फेयर वेदर एटमोसफेयर में 100 वोल्ट पर मीटर है और जो टोटल चार्ज बताना है अर्थ के सरफेस पर यदि रेडियस दे रखी है इतनी, भाई एक बात सुन ले सिंपल सी, बहुत ही आसान सी बात है भाई मेरे, वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना 100 दे रखा है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 × 10⁹ दे रखी है, चार्ज कितना दे रखा है मेरे दोस्त पता नहीं है मुझे और आर कितना दे रखा है 6.4 × 10⁶ जो कि इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और जो कि दो बार जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, दो बार जाएगा 10⁶ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻¹² हो जाएगा और डिवाइड बाय 9 × 10⁹ होगा, ठीक है ना, और इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू होगा स्मॉल क्यू के,
इक्वल टू क्या है, किसके होगा, इक्वल टू होगा स्मॉल क्यू के। अब आप सोच सकते हैं बहुत ही आसान सी कहानी है, देखो ऊपर है 12 और 2 14 और नीचे है 9 है ना, तो स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4 है मल्टीप्लाई बाय 6.4 है डिवाइड बाय 9 है और ऊपर है 12 2 14 और नीचे है 9 तो ऊपर बचेगा 3। सोचिए ऊपर बचेगा 3 भाई है ना, हाँ ऊपर 3 बचेगा, ऊपर 3 बचेगा। अब 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कर लो, जो 6.4 है और 6.4 है दोनों की आपस में जो है क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक सेकंड मैं जो है इसे कैलकुलेटर से करके आपको बताता हूँ। ये कह रहा है 6.4 की मल्टीप्लाई 6.4 में कर लीजिए और फिर से डिवाइड कर लीजिए, इसे डिवाइड कर लीजिए 9 से, तो आंसर आ रहा है 4.55। सॉरी भाई ये 5 बचेगा, 12 2 14 14 में से नोगे तो 5 बचेगा ना, इतनी भारी गलती नहीं कर सकता मैं। और 4.55 आएगा ये इंटू 10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला है चार्ज है 2q और माइनस q जो कि रखे हुए हैं जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ठीक है फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा, फिगर को दोबारा से बनाना पड़ेगा। येलो भैया दोबारा से बना दी, कह रहा है एक है चार्ज आपके पास माइनस के क्यों है, एक है चार्ज 2q है जैसे फिगर में दिखा रखा है, पॉइंट बताने जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। देख भाई 3 पॉइंट बना देता हूँ मैं, एक तो मान लें यहाँ पर जीरो हो सकता है, एक मान लें कुछ यहाँ पर जीरो हो सकता है, एक मान लें कुछ यहाँ पर जीरो हो सकता है और एक मान लें कुछ यहाँ पर जीरो हो सकता है। 4 पॉइंट बना दिए मैंने टोटल, जो 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। देख पहला ऑप्शन रखा है बिटवीन माइनस के 2q यानी बीच में, दूसरा क्या लेफ्ट में ये रहा लेफ्ट वाला, एक थोड़ा सा वो डार्क कर देता हूँ, फिर राइट में ये रहा राइट वाला, फिर करा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यानी ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा, सबसे पहली बात 2q क्या चाहता है, 2q चाहता है कि मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाए, माइनस क्यू क्या चाहता है कि माइनस क्यू चाहता है कि मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। अब 2q जो है इसके कारण दूर जा रही है और माइनस क्यू के कारण पास आ रही है। अब आप ये देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं या नहीं है, हमारे तो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट हैं। अब जब दोनों की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हैं, अब आप ये देखिए दोनों की डायरेक्शन हमारे पास कैसी है मेरे दोस्त, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किसका होगा, माइनस क्यू या 2q का, मास्टर ज़्यादा होगा 2q का, क्यों, क्योंकि उसके पास चार्ज दुगना है पहले वाले से और चार्ज तो दुगना है और दूरी भी देखो कम है, है ना, दूरी भी कम है और चार्ज भी कैसा है दुगना है, दुगना, जिस वजह से क्या होगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, तो दूरी कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो गया, चार्ज ज़्यादा हुआ तो भी और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया, तो कहानी यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता। मैंने यहाँ की बात करी, इसने कहा भाई पॉजिटिव के कारण कहाँ पे होगा, दूर होगा, मैंने कहा भाई प्लस 2q के कारण दूर होगा, और इसने कहा यहाँ पर जो इसके माइनस क्यू के कारण क्या होगा, पास में होगा, मैंने कहा ये भी तो ठीक है। अब कहता प्लस 2q यानी चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, मैंने कहा भाई ठीक है चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, मैंने तेरी पहली बात मानी, लेकिन ये तो देख क्या दूरी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम, हाँ मास्टर ये तो है, तो मास्टर ये है कि यहाँ पे 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा नहीं इतना, वो कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि बैलेंस करेगा किसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्लस 2q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगा माइनस क्यू वाले को, जिस वजह से यहाँ पे जीरो हो जाएगा सेकंड पर। अगला सवाल है 28, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज 1000, यानी कि सवाल अच्छा है, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मैं बता देता हूँ सवाल क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे, जो सवाल ये कहना चाह रहा है नंबर ऑफ क्लोज लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस वो कितनी है, वो 1000 है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। फाई की वैल्यू कितनी है, 1000 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 है और 10 की पावर -12 है, तो भैया 1000 से इसे लेकर के जाओगे तो कितना बच जाएगा, 8.85 बच जाएगा, 10 की पावर -9 बच जाएगा, बताइए। ठीक है भैया ऑप्शन देख लो कहीं ऐसा है तो, हाँ मास्टर ऑप्शन पर फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगला सवाल कह रहा है फिगर है जो कि दिखा रखी है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ चार्ज कॉन्फिगरेशन फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, हम इस रीजन पे पहुंचे हैं क्या, कि जो Q1 भाई जो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो Q1 कैसा होगा मेरे भैया, पॉजिटिव होगा। Q2 से भी निकल रही है तो Q2 भी कैसा होगा मेरे भैया, पॉजिटिव होगा, लेकिन ज़्यादा किससे निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है Q1 से, इसलिए Q1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, लेकिन Q1 की वैल्यू ज़्यादा है Q2 से, क्योंकि इससे लाइनें ज़्यादा निकल रही हैं, ये एक ये रहा सवाल ये भी बेहतरीन है मेरे भैया मेरे दोस्त, सवाल ये भी बेहतरीन है। सुनिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहा है वो भी कहाँ पर पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त, सेंटर में पूछना चाह रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहा है वो भी कहाँ पर पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त, सेंटर में पूछना चाह रहा है। जैसे कि सबसे पहले
जैसे कि सबसे पहले आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भैया, इधर देख माइनस क्यू है अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचेगा, हाँ माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्यू ने अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचा, जो प्लस क्यू है ये भी बंदा क्या करेगा अपने से दूर की तरफ भेजेगा, अपने से दूर की तरफ भेजेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, यानी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हुई, यानी कि एक की तरफ से ई हुआ, एक की तरफ से ई हुआ, तो दोनों की तरफ से टू ई हुआ, ठीक है भैया, ठीक है। फिर मास्टर इधर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में दोनों की डायरेक्शन जो सेम हो जाएगी, इस माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण भी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा ये ई हो गया, ये ई हो गया, जिस वजह से जो वैल्यू है कितनी जाएगी, टू ई जाएगी, और ये जो बीच का जो एंगल है, बीच का जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ओके, जिनको थोड़ा लाइट कलर लग रहा है मैं जो इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये जो बीच का जो एंगल है कितना 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री में आपको पता होगा अगर याद हो तो जितना आंसर होता है वही आता है ना, हाँ यानी कि ए इक्वल टू बी है ना, हाँ ए इक्वल टू बी है ना, तो आंसर भी टू ई आएगा, यानी कि आप ये कह रहे हो कि मास्टर इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो जो टू ई आएगा, बिल्कुल भाई मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और, माइनस क्यू के कारण भी इधर और प्लस क्यू के कारण भी इधर, तो टू ई ये भी हुआ, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया फोर ई हो गया, ओके, और डायरेक्शन इधर की तरफ हो गई ना, हाँ अच्छा फोर ई हो गया, फोर ई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 होगा, ठीक है भैया, ठीक है, एक होगा स्मॉल क्यू होगा, दूरी जो आर का स्क्वायर मान लो, फोर से फोर जाएगा, यारह क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बंदे रखी है तो क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि आर तो है ना, सवाल को पढ़ ले एक बार पता लग जाएगी, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है जिसके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको प्रोजेक्ट कर रखा है एक यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ठीक है भैया, ठीक है, प्रोटॉन को और किसको, अल्फा पार्टिकल को, और पूछा आपसे ये गया बेसिकली, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो, कि भैया कौन सा ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इस सवाल को करने के लिए ना एक ना हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है थोड़ी, और वो ज़्यादा स्पेस मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा, वन सब मिनट बस, यहाँ से मिलेगा ज़्यादा स्पेस, मिल गया, आ जाइए जी। सबसे पहले सवाल बहुत आसान है मैं हकीकत बताऊं तो, लेकिन टफ भी है ना, टफ इसलिए है क्योंकि सवाल में जो पूछा गया है उसको डायरेक्टली भी बताया जा सकता है और एक ट्रिक से ही बताया जा सकता है और बहुत ही समझा के भी बताया जा सकता है एक एक बार डिटेल में, तो अगर समझा के बताएंगे एक एक बार डिटेल में तो टाइम लगेगा काफ़ी, है ना, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा जिस वजह से आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, बहुत ही अच्छे से सुनना। ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज को हमने छोड़ दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर हमने प्रोटॉन को छोड़ा, इसे चलने के लिए दूरी कितनी है, d है, और इसे भी चलने के लिए दूरी कितनी है, d है, ओके ओके, इसे भी चलने के लिए दूरी d चाहिए, इसे भी चलने के लिए दूरी d, यहाँ पर मैंने प्रोटॉन को छोड़ा तो प्रोटॉन कुछ ऐसे चला गया, ठीक है, और ये जो चला है प्रोटॉन यहाँ पर, ये वाई वन चला है मैंने माना है, कुछ कौन है ये बंदा, ये प्रोटॉन है, ठीक है, ठीक है, इस ट्रेजेक्टरी में निकालना किसने ज़्यादा कवर करा है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा है, सिंपल अल्फा भी ये, और अल्फा की जो ट्रेजेक्टरी है वो भी वाइट, क्लियर बात, हाँ मास्टर बात तो ठीक है, ठीक है, यहाँ से इन्हें रेस्ट में रखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मूव करने लगी, ठीक है। अब सुनिएगा मास्टर, हम जानते हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, भाई आपने जानते दे रखी है काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन की और काइनेटिक एनर्जी किसकी, अल्फा की, दोनों की इक्वल दे रखी है, यानी कि हाफ मास ऑफ प्रोटोन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन स्क्वायर और हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अब हाफ से हाफ कट जाएगा तो एम पी अपॉन में एम अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, या फिर इसे एक काम करो ऐसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए ना, अभी ऐसे छोड़ दो या फिर लिख लें, चलो लिख लेते हैं एम पी अपॉन में एम अल्फा, एम पी अपॉन में एम अल्फा इक्वल टू वी अल्फा अपॉन में वी पी, और इन दोनों का क्या है यहाँ पे मेरे दोस्त, स्क्वायर है,
इन दोनों का यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, स्क्वायर है। ठीक है ठीक है, हाँ बात तो मास्टर ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वी पी है, और ये क्या है हमारे पास, वी अल्फा है। इन दोनों का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, देखो आप जानते हैं एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल से छोड़ा है तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ हो तो जाएगा। ठीक है ठीक है, यदि वाई वन ले प्रोटोन का तो हाफ तो रहेगा एसोलेशन प्रोटोन का, समय भी प्रोटोन का। यदि वाई इसका लूंगा मैं अल्फा का तो हाफ एसोलेशन अल्फा का, समय भी अल्फा का। ठीक है, लेकिन एसोलेशन क्या होता है यार, देखो अगर अभी तक भी एसोलेशन बताना पड़े ना तो बस हो गया काम। क्यू ई बाय एम होता है टाइम प्रोटोन का, और वाई टू हाफ है एसोलेशन क्या आएगा, क्यू ई बाय एम और टाइम अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटोन है, यहाँ पर ये प्रोटोन, इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों में सेम है तो यहाँ पर ये प्रोटोन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अल्फा है। यहाँ पर ये क्या है, अल्फा है। राइट राइट मास्टर, अभी तक तो ठीक है कहानी, है ना। हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है मास्टर। अच्छा मास्टर, प्रोटोन अपनी वेलोसिटी से चल रहा होगा वीपी से, और अल्फा अपनी वेलोसिटी से चल रहा होगा अल्फा से, ना। अब मुझे टी वन टी टू की वैल्यू भी तो नहीं पता ना, नहीं दे रखी। ठीक है तो सुन मेरी बात भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है मास्टर, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस, टाइम कितना आ जाएगा भाई मास्टर, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड किसकी, प्रोटॉन की, यदि टाइम प्रोटॉन का है, और टाइम किसका, अल्फा का, यदि वेलोसिटी भी किसकी है, अल्फा की। ठीक है ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हो हाफ रखेंगे, हाफ रखेंगे चार्ज प्रोटॉन का रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ प्रोटॉन का, और टी पी की जगह पर डी बाय वी पी, लेकिन स्क्वायर आएगा मेरे दोस्त, है ना। हाँ, और y2 क्या आएगा मास्टर, y2 आएगा हाफ आएगा, चार्ज अल्फा का है, चार्ज अल्फा कितना होता है, दुगना चार्ज होता है, किसका दुगना चार्ज होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड मास क्या होता है, चार गुना होता है, किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का, और t क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर होगा। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, नहीं 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 अल्फा का स्क्वायर नहीं, आप इसकी जगह वैल्यू रखते हैं, जब मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा, डी अपॉन में वी अल्फा स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है मास्टर, ठीक है ना, ठीक है। अब एक काम कर लो, इन दोनों को ना डिवाइड करो। ओके ओके मास्टर, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, वाई वन अपन में वाई टू, वाई वन अपन में वाई टू, हाफ से हाफ जाएगा, हाफ से हाफ जाएगा। ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड डी स्क्वायर जाएगा जी। एक हल्का सा चेंज मैं करता हूँ, रुक जाओ देखना जरा ध्यान से, अभी वाइट से लिखता हूँ, हाफ चार्ज अल्फा का था, इलेक्ट्रिक फील्ड मास अल्फा का था, और डिस्टेंस का स्क्वायर, और वेलोसिटी अल्फा का स्क्वायर। अब डिवाइड करिए जरा, y1 अपन में y2 का डिवाइड कर, हाफ से हाफ कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा मास्टर। दूसरी बात सुन जी, d से d भी कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड e से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कट जाएगा। ठीक है ठीक है, अब बचा क्या, ये बचा रहा मेरे पास क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। इसे डिवाइड करूँगा, नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, ये आएगा चार्ज आएगा अल्फा का, ऊपर आएगा मास आएगा अल्फा का, और वेलोसिटी आएगी अल्फा का, और स्क्वायर आएगा। देखिए कहानी अभी तक तो सही है मेरे दोस्त, हाँ अभी तक तो सही है, लेकिन अब सुनिएगा, एम पी अपन में एम अल्फा की जगह पर क्या रख सकते हैं आप रख सकते हैं एम पी पे वी अल्फा आएगा, ठीक है, और एम अल्फा पे वी पी आएगा, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे, सॉरी ये नहीं, ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा, यानी कि वाई वन अपॉन में वाई टू बचा है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का, चार्ज ऑफ अल्फा का है। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई, अल्फा टू ई, ई से ही गया तो y2 की वैल्यू आ गई दुगना y1 के, y2 की वैल्यू आ गई दुगना y1 के, यानी कि ये जो y2 है ये दुगना ट्रेजेक्ट्री करेगा y1 से, यानी अल्फा की ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा होगी किससे, y1 से, ना। हाँ अब मैं इसका तुझे डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट तरीका मैं तुझे इसका वहीं पे बताता हूँ मेरे भाई सुन, एक मिनट भाई जी, ये जो सवाल है
ये कह रहा है एक गिवन चार्ज है, एक गिवन चार्ज है जो कि हमने जो है रख रखा है, जो कि हमने जो है रख रखा है, कहाँ पर रख रखा है मेरे दोस्त, कहाँ पर रख रखा है मेरे दोस्त, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एंड ऑन द पोजिशन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, यदि जो डिस्टेंस है चार्ज की हमने कितनी कर दी, डबल कर दी। ओके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी, सवाल बेहतरीन है, बेहतरीन वाला सवाल एकदम। एक गिवन चार्ज है जो कि रखा हुआ है पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ये रहा डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक चार्ज क्यू मान लो यहाँ पे रखा हुआ है आर दूरी पर। ठीक है भैया, ठीक है, ये जो है फोर्स एक गिवन चार्ज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एंड ऑन पोजिशन, ये जो आर है ना, ये आर जो है, एक मिनट एक बात बता दूं मैं आपको, हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, ठीक है ना, ये है, चलो ठीक है कोई नहीं। अब कह रहा है कि भैया इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी, यदि जो डिस्टेंस है चार्ज की मैंने कर दी डबल, तो जो फोर्स है इसके ऊपर वो कितनी लग रही होगी। भाई एक बात बता, एफ इक्वल टू क्यू ही होता है, हाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, टू के पी अपॉन आर का क्यूब होता है, क्या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के क्यूब होगी, हाँ होगी, हाँ होगी 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 होगी, जब तू इसे डबल करेगा, जब मैं इसे डबल करूँगा तो डबल का क्यूब करेगा तो कितना आएगा, आठ आएगा, तो बाय एट आंसर नहीं आ गया, बात तो ये भी सही है मास्टर। टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, क्वेश्चन पढ़ और आंसर लगा। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो अपोजिट चार्ज है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोग्राम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, डायपोल का एक्सटर्नल फील्ड में रख रखा है, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। टॉर्क इक्वल टू पी लगा, पी क्या होता है, क्यू इंटू एल लगा, और साइन थीटा, साइन 90 आएगा क्योंकि मैक्सिमम है, चार्ज कितना कह रहा है 1 माइक्रो, 1 माइक्रो तो 10^-6 है, लेंथ कितनी कह रहा है 2 सेंटीमीटर कह रहा है, 2 है, सेंटीमीटर बोले तो 10^-2 है, और पी ई साइन थीटा होता है ना, हाँ तो क्यू एल ई भी आएगा ना, ठीक है, तो पी ई, पी तो हो गया, ई कितना आएगा 10^5 आएगा, सोल्व करें, यह 7, यह 5, माइनस 2, 2 × 10^-2 आंसर आना चाहिए, देखना -3 आंसर आना चाहिए, -3, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला चार्ज है क्यू है जिसको हमने रख रखा है क्यूब के सेंटर पे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस, भाई एक बात होता, 6 फेस हैं, 6 फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के कारण कितनी हो जाएगी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी मेरे दोस्त, आंसर। ये बंदा कह रहा है एक चार्ज है क्यों, दिख रहा होगा भाई, एक चार्ज है क्यों जो कि रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल, ये हमारे पास सिलिंड्रिकल वेसल और यहां पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसकी जो लाइनें हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो साइड में जाएगा, एक तो इस साइड में और एक इस साइड में, यानी फाई इक्वल टू हुआ क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कराए हैं ऐसे सवाल बहुत सारे आपको नोट्स में कराए होंगे मेरे दोस्त, कृपया करके देख लेना ध्यान से, नोट्स में आपको बहुत सारे ऐसे सवाल कराए होंगे। एक चार्ज बॉडी है जिसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जिसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाई है एसोसिएटेड विद इट, जिसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाई है एसोसिएटेड विद इट, द बॉडी इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड अ मेटलिक कंटेनर, जो बॉडी है उसको मैंने एक मेटल के कंटेनर में रख दिया, फ्लक्स फाई आउटसाइड द कंटेनर विल बी, ये कह रहा है मेरे दोस्त। तो भाई एक चार्ज बॉडी थी, फ्लक्स पहले फाई था, अभी इसको मैंने एक मेटल के कंटेनर के अंदर रख दिया, तो फ्लक्स फाई कंटेनर के बाहर कितना हो जाएगा, भाई अभी भी फाई रहेगा, कोई चीज़ नहीं रहेगा मेरे दोस्त, बॉडी तो बॉडी है, उससे तो वही चीज़ें निकलती रहेंगी, सिंपल। अगला एक चार्ज है 1 कूलम है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्फीयर है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, चार्ज सेंटर में रखा हुआ है 1 कूलम का, ठीक है, एंड अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ओके, एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो कितने मेरे दोस्त, वो 20 सेंटीमीटर है, एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो कितने मेरे दोस्त, वो देखिए 20 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर एंड क्यूब विल बी, भाई चार्ज सेम है तो 1 ही होगा ना, क्यों सोल्व करवा रहे फालतू में, क्यों डायग्राम बनाऊं। 43 एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जब से रख रखा है मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में,
विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल मेड बाय डायपोल मोमेंट विद फील्ड ई इज, भाई तुझे पता है यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के पी ई कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी कब होगी, भाई जब एंगल जीरो होगा, जब एंगल जीरो होगा तब माइनस पी ई एनर्जी आएगी। बच्चों को लगता है कि 180, भाई 180 की वैल्यू माइनस के वन होती है तो प्लस क्या हो जाएगी ना एनर्जी, तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, एट एम एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस करेगा क्या, रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल, ओनली रिजल्टेंट फोर्स, ओनली कपल, ऑल ऑफ दिस। भाई ये कह रहा है, सवाल जरा थोड़ा सा अच्छा है, जरा ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट फोर्स को फील करेगा, फोर्स को तो फील करेगा, कपल को भी फील करेगा, रिजल्टेंट फोर्स केवल नहीं करेगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स को भी और कपल को भी, हाँ बिल्कुल करेगा, तो डी ऑप्शन लगा दीजिए, डी ऑप्शन लगा दीजिए। हालांकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी काम चल सकता है, लेकिन सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल सेम ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। फर्स्ट में भी काम चल सकता था, लेकिन सेकंड और थर्ड भी ऑप्शन वही है, इसलिए डी है बेस्ट। द गिवन फिगर शोज, जो गिवन फिगर है वो दिखा रखी है हमें, दो पैरेलल प्लेट ए और बी, ठीक है, ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक है भैया, इसके पास प्लस सिग्मा है, इसके पास माइनस सिग्मा है, ठीक है, प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, इससे लाइनें निकलेंगी, इससे लाइनें निकलेंगी, इससे भी लाइनें निकलेंगी, माइनस सिग्मा अपनी तरफ चाहिए, इसे माइनस सिग्मा को अपनी तरफ चाहिए, माइनस सिग्मा को अपनी तरफ चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी जीरो इन रीजन, भाई फर्स्ट में जीरो होगी और थर्ड में यहाँ पर जीरो होगी, यहाँ पर जीरो होगी, यहाँ पर जीरो होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ सेकंड में जीरो नहीं होगी। अगला, एक स्फेयर है जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस वो कैपिटल आर है, जिसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पूरा पूरा फैला हुआ है इसकी वॉल्यूम में, ठीक है, इसकी वॉल्यूम में एट अ डिस्टेंस एक्स, एक्स की दूरी पर इसके सेंटर से एक्स जो है कम है आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स के, भाई एक्स के, क्योंकि अगर पता हो तो फॉर्मूला कुछ होता है ये के क्यू एक्स अपॉन में आर की क्यूब, पता हो तो। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज़ी, देन एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इट विल बी, ये कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर वो ई है, ठीक है, ये रहा स्फीयर, ये रहा स्फीयर, स्फीयर की जो रेडियस है, प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, बहुत बहुत ही प्यारा सवाल है, बंदों को लगता है कि जीरो लगा दें, लेकिन जीरो इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, पहली बात बता दूं मैं आपको, गलती मत कर देना बिल्कुल ही भूल के भी, ठीक है ना, हाँ नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि कंडक्टिंग होता तब जीरो होता, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखना। रेडियस कितनी दे रखी है भाई चाचा, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ई, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ई दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ई की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर होगी, आर का स्क्वायर होगी, क्यों पता है, नहीं पता, बस ई दे रखा है, ठीक है, पाँच पे तुझसे पूछ लिया, पाँच में मास्टर पूछ लिया, अच्छा क्यों क्या होगा यहाँ से ये बता, अच्छा बात खत्म कर, मास्टर यहाँ से जो क्यों होगा, यहाँ से जो क्यों होगा वो होगा ई आर स्क्वायर अपॉन में के, ठीक है, ठीक है, सुन जा बात को ध्यान से सुन ले, आर की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 इंटू 20 400 होगा, और 10 के बाद माइनस के 4 होगा, और अपॉन में के होगा, है ना, हाँ, के की वैल्यू 9 टू 10 की पावर 9 रख ले, रख लो, मैं तो ये कहूँगा कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करो और अपॉन में के करो, अभी रुक जाओ, सबर करो थोड़ा, चार्ज की वैल्यू ये रखी, ठीक है, ठीक है, अंदर पूछा ना आपसे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए क्या होता है, के होता है, क्यों होता है, एक्स होता है, अपॉन में आर की क्यूब होती है, ठीक है ना, ये होता है, ओके सोल्व करो, सोल्व करो, सोल्व करो, सोल्व करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना है, चार्ज है नहीं, के की टर्म में रखूँगा आंसर आएगा, क्योंकि ई 4 इंटू के रहने दो, क्योंकि वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 और डिवाइड बाय के, ठीक है भैया, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, हाँ एक मिनट बस, ज़्यादा नहीं जी, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 10 के पावर माइनस 2 लगा, 10 के पावर माइनस 2 लगा, आर की क्यूब कह रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 का क्यूब करेगा 100 होगा या 1000 होगा, 1000 होगा, और ये माइनस के 6 होगा, माइनस के 6 होगा, अब सुन जा भाई चमन, भाई मेरे दोस्त येलो कलर से करते हैं, के से के ख़त्म पहली बात तो, ठीक है भाई, ऊपर है माइनस 4 और नीचे बचेगा माइनस 3, ठीक है ना, तो ये बचेगा तेरा, मैं इसे सोल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, भाई ये बचेगा तेरा, ऊपर है 4 5 20
ऊपर है माइनस के चार, नीचे है माइनस के तीन, ऊपर जाके प्लस के तीन हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है मेरे दोस्त टू। कहीं आंसर टू है तो एकदम एक्यूरेट आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि एक सिल्क का थ्रेड है, एक स्मॉल स्फीयर है जिसका जो मास है वो एम है और चार्ज क्यू है जो कि लटका हुआ है सिल्क के थ्रेड से, राइट, जो कि लटका हुआ है सिल्क के थ्रेड से एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से एक बार। एक ना वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, राइट, एक है वर्टिकल वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ये मेरी एक प्लेट हो गई। इसके पास जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पास जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, वो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है तो पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया। कह रहा है इस प्लेट से एक एंगल थीटा बना के, इस प्लेट से एक एंगल थीटा बना के जो बॉब है वो हमारा लटका हुआ है, राइट, स्मॉल स्फीयर है जिसका जो मास है वो कितना है, वो जो है एम है, और जो चार्ज है, चार्ज कितना है, वो जो है क्यू है, लटका हुआ सिल्क थ्रेड से, और कितना एंगल बना के मेरे भैया, थीटा का एंगल बना के, विद द सरफेस ऑफ वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, देन फॉर इक्विलिब्रियम स्फीयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज, यानी कि जो प्लेट का जो सिग्मा होगा वो कितना होगा, राइट राइट। अच्छा आप जानते हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है ठीक है। और आप यहाँ पे एक कंडीशन और जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, एफ अपॉन में एम जी, और एफ की जगह पर क्या रखा जा सकता है, क्यू ई अपॉन में एम जी, ठीक है ठीक है। और टेन थीटा है क्यू ई की जगह पर क्या रखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एम जी हो सकता है। आपसे क्या पूछा, सिग्मा पूछा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा और अपॉन में चार्ज आ जाएगा, राइट राइट। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो रहा है क्या, एम जी एप्सिलॉन टेन थीटा अपॉन में क्यू, बिल्कुल इसका जो आंसर है वो फर्स्ट मैच हो रहा है। ओके आगे आगे चलते हैं, जो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट मैच हो रहा है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, देखना जरा एक बार, देखना जरा एक बार। दो लॉन्ग है जो कि पतली पतली जो है चार्ज की रोड से, दो लोग हैं पतली पतली जो है मेरे दोस्त चार्ज की जो रोड से, और कह रहे जिनके पास जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है, ईच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो कि दोनों को जो है एक दूसरे के क्या रख रखा है, हमने पैरेलल रख रखा है। ये लीजिए, हमने क्या करा, एक दूसरे के पैरेलल जो है रख रखा है एट अ डिस्टेंस डी ए पार्ट, और इनके जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो जो है इनके बीच की जो दूरी है वो डी है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड ऑन वन नोड बाय द अदर विल बी, है ना, हाँ कह रहा है एक के द्वारा जो दूसरे पर जो क्या लग रही होगी, एक के द्वारा जो दूसरे पर जो फोर्स लग रही होगी। दो लॉन्ग है और पतली सी चार्ज की रोड है जिसके पास जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, ठीक है ठीक है भैया। इसके पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके पास भी चार्ज डेंसिटी कैसी है, लैम्डा है। आप देखेंगे जरा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा, इससे भी अवे जाएगा और इस कारण भी अवे जाएगा, यहाँ पे इसके कारण देखूंगा मैं, तो ये कहता है अवे जाएगा, ये कहता है अवे जाएगा, और ये कहता है अवे जाएगा, क्लियर क्लियर। तो सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, राइट राइट। अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आपको पता हो बहुत ही अच्छे से, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना आता है, पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है या फिर वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है एक के कारण लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, होता है नहीं होता, हमेशा होता तो यही टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है ठीक है। अब मुद्दा क्या है, एफ फोर्स निकालने, फोर्स निकालने मान लो एक के कारण जो दूसरे पे लग रही है, दूसरे पे लग रही है, तो क्यों की जगह पर आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे लैम्डा एल और इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से ही हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 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 का स्क्वायर हो जाएगा और फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा और ये टू आ जाएगा यहाँ पे, टू लैम्डा स्क्वायर, टू टू फोर हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ मास्टर ये तो खैर कहानी, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या कहेंगे, हम जो है के कहेंगे, लैम्डा का स्क्वायर है, डिवाइड बाय ये क्या आएगा, आर आएगा, आर बोले तो जो बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि आपसे जो पूछी गई है वो भी क्या पूछी गई है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर टू जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट राइट। आगे चलते हैं, 50 कह रहा है दो आइसोलेटेड मेटल के स्फीयर हैं, दो आइसोलेटेड मेटल के स्फीयर हैं, एक के जो रेडियाई वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और एक की कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। एक की रेडियाई 2 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर है, और दोनों को हमने कैसा चार्ज दिया, बराबर बराबर चार्ज दिया, तो रेशियो बताना है हमें, क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका, यानी कि चार्ज डेंसिटी का ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर विल बी,
मेटल की स्फेयर है, एक की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और दूसरा जिसकी जो रेडियस है, सारी बात छोड़ो, एक की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और एक की जो रेडियस है जो कि कितनी है, जो कि 4 सेंटीमीटर है। और इनको दोनों की, दोनों स्फेयर को, एक मेरे पास स्फेयर ये है और एक मेरे पास स्फेयर ये है, इसको जो है मैंने क्यों चार्ज दिया है और इसको भी मैंने क्यों चार्ज दिया, दोनों को इक्वल चार्ज दिया है। देन द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर विल बी, है ना, चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी सिग्मा वन और सिग्मा टू का रेशियो पूछा जा रहा है। भाई सिग्मा वन क्या होगा, चार्ज अपॉन में 4πr का स्क्वायर होगा, है ना, यानी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। अब सिग्मा वन अपॉन में सिग्मा टू होगा, भाई सिग्मा वन अपॉन में सिग्मा टू होगा तो क्या होगा, या यहाँ पे होगा आर वन का स्क्वायर और यहाँ पे होगा आर टू का स्क्वायर। मेरे पास जो आर टू है, आर टू वैल्यू कितनी, चार, चार का स्क्वायर 16, आर वन का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और आंसर आएगा 4π1। देखो जरा, ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा है मेरे दोस्त, अगला सवाल है इसका 51। 51 कह रहा है जो गॉस लॉ है कैन हेल्प, जो कि मदद करता है आसान कैलकुलेशन करने में इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू किसके कारण, मूविंग चार्ज। देखो जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का भी करता है, तो वहाँ पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम जो है पढ़ते तो हैं लेकिन वो थोड़ा सही नहीं होता, वो थोड़ा गलत होता है ना। हाँ, बताया दिया जाएगा आपको कि गॉस लॉ जो है वो मोनोपोल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ये मूविंग चार्ज वाली बात कर रहा है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कोई भी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ठीक है, लेकिन अगर चार्ज आउटसाइड रखा है तो बात सही नहीं है। कोई भी सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल यानी कि परफेक्ट सिमेट्री बननी चाहिए, परफेक्ट सिमेट्री बननी चाहिए, परफेक्ट शेप बननी चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये बात तो देखो, अब ऑप्शन नंबर थर्ड भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हो सकता है। थर्ड क्या कह रहा है, एनी सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कोई भी जो है सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, हाँ बिल्कुल। और कह रहा है कुछ स्पेशल ही हो सकते हैं, तो भाई मेरे कुछ स्पेशल वाली सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, कोई भी आपको नहीं लेनी है अपनी तरफ से कि भाई हाँ हमने जो कोई भी ले ली, नहीं कोई भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगला, ईच ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, दो जो है हमारे पास लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट है, वन साइड सरफेस एरिया ए है, इफ वन ऑफ द प्लेट इज गिवन अ चार्ज क्यू, यदि एक प्लेट को चार्ज क्यू दे दिया जबकि दूसरी जो न्यूट्रल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय, ठीक है, ठीक है। भाई मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक के कारण सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सिग्मा क्या होता है क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए हो गया, खत्म हो गई बात, दूसरे कारण तो कुछ है नहीं ना, नहीं बस। तो फिर अगला, एक एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि लगभग कितना दे रखा है, 150 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे पास एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस जो है अर्थ की दे रखी है इतनी, टोटल चार्ज पूछा अर्थ के सरफेस पर, सुनना भाई, भाई टोटल चार्ज पूछा है ना, इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर होता है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ई हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में के हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है 150 है, 150 आर की वैल्यू कितनी कह रहा है 6400 कह रहा है, यानी 6.4 × 6.4 10^6 का स्क्वायर करूंगा तो 10^12 हो जाएगा, और के है, के की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10^9 होगा, के की वैल्यू 9 × 10^9 होगा, जिस वजह से ऊपर कितना है 150 है, 150 10^12 जो है 6.4 रहेगा, 6.4 रहेगा, जो 10^12 है वो कितना हो जाएगा 10^3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 9 रहेगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसके साथ साथ सीन क्या है, इसके साथ साथ सीन ये है कि यहाँ पर क्या होता है 3×3 9 होता है और 3×5 15 होता है 50 में, ठीक है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी होगी आपने, मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पे कुछ आपको जो रिजल्ट जो है वो पता लगेगा कि भाई हाँ आखिरकार इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर वो क्या है, 6.4 की जब मैं 6.4 में मल्टीप्लाई करूँगा मेरे दोस्त, 6.4 की जब मैं 6.4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर आंसर कितना आएगा, मैं एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, चलो जल्दी से 6.4 की यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6.4 से तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 40.96, राइट, यानी 41 मान लेता हूँ, 40.96 × 10^3, राइट। और अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 50 में करेंगे तो फिर जो है आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 50 को 100/2 लिखो तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2048 आएगा, और 2048 में भी जो है इसका, हाँ बिल्कुल, इसका एक्यूरेट जो आंसर 2048 आएगा और 10^3 है। अब आप देख सकते हो लेकिन आंसर तो हमारा गलत दे रखा है मेरे दोस्त, अभी गलत क्यों है, कहीं पर कुछ गलती करी है क्या,
एक मिनट, कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी क्या भाई? ऐसा नहीं, कहीं पे कुछ तो मिस्टेक करिए ना। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 वोल्ट पर मीटर है, रेडियस जो है अर्थ की 6400 किलोमीटर है, टोटल जो है चार्ज बताना है ऑन दी अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर जो है टोटल जो है हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है ना। हाँ, तो ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपन में आर स्क्वायर होता है ना, सेंटर से अगर देखेंगे तो हाँ बिल्कुल होता तो यही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 150 दे रखा है ना, आर की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10^12 और के वैल्यू कितनी है 9 × 10^9 है, 150 है, 6.4 है, 10^3 आएगा, नीचे कितना बचा 9 बचा, 3 × 3 = 9 बताओ 50/3 है। एक मिनट, ये 3 रह गया ना, ये 3 रह गया ना। अब ये जो 3 रह गया है, ये जो 3 रह गया है इसको अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा ये 682.6 × 10^3। तो इसे 2 पॉइंट पीछे किसका होगा, 6.8 × 10^5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है 54 में, यदि जो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ई जो है चार्ज है प्रोटॉन का, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और एमपी मास है ऑफ अ प्रोटॉन, देन द डायमेंशन फॉर्मूला। ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर करना चाहिए मुझे, चलो मैं ही कर देता हूँ। वैसे ये सवाल आपके लिए होना चाहिए क्योंकि डायमेंशन का है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर ये भी नहीं कर पाने तो भाई दिक्कत वाली बात है, देखो बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। हकीकत में आपको बताऊँ तो सुनना भाई, जो 4π एप्सिलॉन नॉट है, पहली चीज़ तो ये तो है आपका कॉन्स्टेंट, हटाओ, ठीक है ठीक है। अब कांस्टेंट को हटा दिया, ऊपर क्या है चार्ज है, चार्ज है, नीचे क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन है 2 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। मास्टर आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, जी होता है m1 m2/r² होता है, बिल्कुल जानता हूँ मैं। तो जी की वैल्यू जो आप ये भी जानते होंगे, F² / m1 m2 होता है, हाँ ये भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जी की वैल्यू जो यहाँ पर रखूँगा, अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो ये F² / m1 m2 m² हो जाएगा, m² हो जाएगा, तो m से तो m कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो ये आ गया कितना, Q² / f² आ गया, बिल्कुल चलो ठीक है। या अब Q की जगह पर क्या होता है, IT होता है, IT को हम क्या रखेंगे, AT रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। फोर्स है न्यूटन है तो क्या होगा, MLT - K2 होगा, MLT - K2 होगा, और R की वैल्यू कितनी होगी, L2 होगी, सिंपल। देखिए L की क्यूब हुई m-1, L की -3, m-1, L-3, T ऊपर पहुँचा, T 4 हो जाएगा और A 2 हो जाएगा, m-1, L-3, T 4, A 2, ये ले भाई फोर्थ। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिनके पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू अलग अलग है ना, हाँ पॉजिटिव जो कि कुछ दूरी पर रख रखे हैं, ठीक है। ये लीजिए, हमने जो है दो पॉजिटिव चार्ज थे जो कि हमने अलग अलग दूरी पर रख दिए, एक है Q1 और एक है Q2, अलग एक पर सेपरेट दूरी पर रख दिए, दोनों पॉजिटिव हैं। मैं कह रहा हूँ ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट, देन एक जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है वो हमने जो है नल पॉइंट पर रख रखा है, मान लीजिए यहाँ पर रख रखा है, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन इसके अगली स्लाइड में है। अगली स्लाइड में ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इसके, अगली स्लाइड में जो ऑप्शन है इसके वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, ये नहीं रफ होगा, अच्छा कोई नहीं, मैं सवाल ही पढ़ूंगा, ऑप्शन भी पढ़ूंगा। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड दे रखा है, Q1 Q2 ठीक है, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एक स्मॉल छोटा सा पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया है, तो जो टेस्ट चार्ज है ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए भाई, इक्विलिब्रियम को पता करने के लिए आप क्या करें, इस चार्ज को मूव करें हल्का सा, जैसे ही आप ऊपर मूव करेंगे तो ये मान लीजिए आपका चार्ज यहाँ पे आ चुका है, तो ये वाला बंदा क्या चाहेगा कि भाई दूर जा, क्यों, ड्यूटी रिपल्शन। ये भी बंदा क्या चाहेगा कि भाई दूर जा, क्यों, ड्यूटी रिपल्शन। अब ड्यू टू रिपल्शन ये भी दूर भेजना चाह रहा है, और ये भी दूर भेजना चाह रहा है, तो कभी और नेट फोर्स कितना लगेगी, फिर ऊपर लगेगी, कभी वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो कौन से इक्विलिब्रियम में हुआ, अनस्टेबल में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 पार्टिकल हैं, एक मिनट भैया, 3 पार्टिकल हैं जो कि प्रोजेक्टेड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम वेलोसिटी है, यानी तीनों के पास सेम वेलोसिटी, VA VB और VC, तीनों की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम है, VA और VB और VC, तीनों के तीनों जो है इनकी वेलोसिटी जो कैसी है, बराबर है, इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जैसे कि दिखा रखा है। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, देखो भाई अगर आपको याद हो
अगर आपको याद हो तो जो ट्रेजिक्ट्री है, जो ट्रेजिक्ट्री है, मैं आपको हकीकत बताऊँ, जो ट्रेजिक्ट्री होती है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज बाय मास रेशो के। ठीक है, ठीक है। अभी कह रहा है चार्ज बाय मास रेशो किसका ज़्यादा हो, जिसकी ट्रेजिक्ट्री ज़्यादा, ट्रेजिक्ट्री ज़्यादा किसकी है, कौन ज़्यादा कर्व कर रहा है, सी बी या ए। मास्टर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो कर्व कर रहा है वो कौन कर्व कर रहा है, वो कर्व कर रहा है सी। सी कर्व कर रहा है तो सी का ही चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा। सी कर्व कर रहा है तो सी का ही चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा। अंतिम सवाल है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, बोले तो लैम्डा। भाई लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है क्यू अपॉन में एल होता है, क्यू बोले तो ए टी, आई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। आई को आप एम्पियर कहेंगे, टी को आप टाइम कहेंगे और लेंथ को आप एल कहेंगे। तो ये हो जाएगा एम जीरो एल माइनस वन, और टी तो है ही प्लस वन, और ए भी वन है। ठीक है, ठीक है मास्टर। बताइए, देख लो ऐसा कोई ऑप्शन हो तो। नहीं है, नहीं दिख रहा, ये बंदा कह रहा है कि मास्टर दिख नहीं रहा। कोई नहीं, मुझे दिख रहा है एम ज़ीरो एल माइनस वन टी प्लस वन और ए। ठीक है, ओके। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।